हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक ऑटो गैरेज खोलना चाहते हो तो आपको उसमें उसके लिए कौन कौन से पाना पेचकस की आवश्यकता होगी, इसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये डायरी के ऊपर बता रहा हूँ लिख करके, उसके बाद में मैं आपको रियल दिखाऊंगा कि हमने कौन कौन से पाना पेचकस खरीदे हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहे। चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू कर लेते हैं फटाफट। उससे पहले आप हमारे चैनल एडवांस बाइक इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है रिंग पाना, जो कि 6-7 से लगा करके 30-32 तक है। उसके बाद आता है फिक्स पाना, जो 6-7 से लगा करके 30-32 तक आता है। उसके बाद एक हमें गुटका टामी का सॉकेट सेट लेना है, जो 8 नंबर से लगा करके 32 नंबर तक का पूरे सॉकेट सेट मिलेंगे। उसके बाद एक पेचकस लेना है बड़ा वाला, जो प्लस पॉइंट हो, और एक पेचकस माइनस वाला जो बड़ा हो वो लेना है। उसके बाद में पेचकस बीट से लेने हैं, जो बीट होते हैं छोटे छोटे, एक छोटा सॉरी पतला वाला मुंह का रहता है प्लस पॉइंट, और एक मोटे वाला मुंह का होता है वो भी प्लस पॉइंट का होता है। उसके बाद में आ जाता है पतला बारीक पेचकस, दो अलग अलग मुंह के, दो तरह के। उसके बाद हमें प्लायर चाहिए, एक बड़ा वाला प्लायर, एक छोटा प्लायर, और एक इनपुट प्लायर, जो आउट लॉक होता है, इनपुट लॉक होता है, उन लॉक खोलने के लिए दो अलग पेचकस सॉरी ये प्लायर चाहिए। उसके बाद एक कटर चाहिए हमें वायरिंग के लिए, वायर तार वार छिलने के लिए। उसके बाद में हमें टी चाहिए, टी स्पिनर टामी, 8 नंबर की, 10 नंबर की, 12 नंबर, 14 नंबर। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक 14 नंबर इसलिए एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जो हमें ब्रेक टामी सॉरी जो ब्रेक पाना होता सॉरी यार जो ब्रेक का नट होता है पिछले या अगला कहीं का भी ब्रेक का नट 14 नंबर, उसे खोलने के लिए ये इसे हमने तो इसे हमें ब्रेक पाना बनाना है, इसे जुगाड़ करना है। उसके बाद हमें चाहिए एक साकप सरिया, जो हीरोंडा बजाज होंडा सुजुकी सभी गाड़ी में लगेगा। उसके बाद एक हथौड़ी चाहिए बड़ी, एक हथौड़ी छोटी चाहिए, और एक हथौड़ी मीडियम चाहिए। हमें दोस्तों तीन तरह के लोहे की हथौड़ी चाहिए, और एक हथौड़ी चाहिए प्लास्टिक की। उसके बाद हमें एलंकी का सेट चाहिए, 1 mm से लगा करके तो 10 mm तक का। और दोस्तों हमें एक 14 mm का एलंकी एक्स्ट्रा लेना है, और मैग्नेट पकड़ चाहिए हीरोंडा की एक, और एक डिलक्स की। दोस्तों ये जो हीरोंडा की है ये हीरोंडा और सभी गाड़ियों में लगेगी, TVS में भी लग जाएगी, और डिलक्स का मैग्नेट पकड़ अलग रहता है थोड़ा, और सॉरी ये मैग्नेट पकड़ है ये सिर्फ हीरोंडा स्प्लेंडर में लगेगा, और ये डिलक्स का है, और ये मैग्नेट पुलर है। दोस्तों ये स्प्लेंडर का एक चाहिए, एक डिलक्स का चाहिए, एक स्टार का चाहिए हमें, और क्लच पकड़ एक हीरोंडा की चाहिए, 4 होल में आती है। और जो दोस्तों BS6 जो नए मॉडल में उन्हें में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है, उसे 3 होल का कर दिया, तो यदि आपको आवश्यकता रहे तभी आप खरीदें, अन्यथा अभी इतना ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों बजाज के लिए क्लच पकड़ हमें चाहिए प्लेटिना वगैरह में, 6 होल का आता है, और एक चेन कड़ी का सुम्बा चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पेज पर। एक 12 वोल्ट का हमें बैटरी चार्जर चाहिए, जो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्जर कर सके। दोस्तों टेपिड सेटिंग करने के लिए भी हमें छोटे आते हैं, हम अभी आपको दिखा देंगे लाइव। उसके बाद आता है BS6 और ओल्ड, ये दोस्तों जो टेपिड सेटिंग के जो पाने हैं छोटे छोटे आते हैं, उसमें BS6 में थोड़ा चौड़े मुँह का लगता है, और ओल्ड मॉडल जो होता है हीरोंडा TVS बजाज इनमें अलग लगता है। तो अभी थोड़ा चेंज कर दिया है 2021 में, हाँ 21-22 में अभी थोड़ा चेंज हो चुका है इन गाड़ियों में। और ये एक हमें गेज पत्ती चाहिए, यदि आवश्यकता हो तो आपको गेज पत्ती लेना, वरना यदि आप अपने अनुभव से भी कर सकते हो उसे। हमें प्लग पाना चाहिए हीरोंडा का, एक एक्टिवा का चाहिए छोटा वाला, एक XL 100 का आएगा, XL 100 सुपर और सुजुकी में जो लग जाता है वो वाला, और जो हमें वाल केचर बिठाते हैं हेड में, उसका वाल केचर को फिटिंग करने के लिए हमें एक ये चाहिए जुगाड़ का आता है टाइप, उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, और एक चीनी चाहिए, और यदि हमें आवश्यकता हो तो ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन की भी आवश्यकता रहती है जुगाड़ करने के लिए।
और उसके साथ में ड्रिल मशीन के ब्रश आते हैं दो तीन तरह के तार वाले, वो चाहिए। और क्लच कूलर चाहिए हमें, हीरोंडा के क्लच कूलर, और एक हीरोंडा का चाहिए जो स्प्लेंडर वगैरह सभी गाड़ी में लगेगा हीरोंडा की, और एक टीवीएस का चाहिए, एक होंडा साइन का चाहिए। उसके बाद में यदि हम सीट कवर लगाते हैं तो सीट कवर की पिंच मशीन चाहिए और एक कैंची चाहिए। तो दोस्तों पूरे टूल्स है, सभी तरह के टूल्स जो कि हम हीरोंडा बजाज टीवीएस की गाड़ियों में का पूरा काम कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से बाने पेचकस खरीदे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा सही सही समझ में आ जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस बाइक इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप ऑटो गैरेज खोलना चाहते हो टू व्हीलर का, तो उसमें उसके लिए आपको कौन कौन से पाने पेचकस वगैरह की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी चीज़ आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, सबसे पहले रिंग पाना का सेट है हमारे पास, रिंग पाना और फिक्स पाना दोनों तरह के हैं हमारे पास में। तो रिंग पाना हमारे पास 6-7 से लगा करके तो 30-32 तक का है, और फिक्स पाना भी 6-7 से लगा करके 30-32 तक का है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि 30-32 27-28 और 6 लगा करके 7-8 10-11 और 6-7 तक के पूरे टोटल फिक्स और रिंग पाने ही हमारे पास। दोस्तों सबसे पहले इन रिंग पाना और फिक्स पाना का लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में। यदि रिंग पाना और फिक्स पाना से कोई नट नहीं खुलता है तो उसके बाद में इसका नंबर आता है जिसे हम गुटका टामी बोलते हैं, और उसके बाद में इसका अलग अलग नाम है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें भी सॉकेट सेट में हमें 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और दोस्तों 30-32 तक के हमें यहाँ पर पूरा का पूरा सॉकेट सेट मिला हुआ है। दोस्तों ये एकदम ओरिजिनल है और टापरिया का है, और टापरिया का आपको पता ही होगा कि पाने पेचकस वगैरह उनकी क्या सर्विस मिलती है हमें, तो ये इसमें आपको ये पूरा पूरा सेट खरीदना है। उसके बाद आ जाते हैं पेचकस पर। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के बड़े पेचकस है, जिसमें एक छोटा है, एक मीडियम है और 3 बड़े बड़े है, जो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये चारों पेचकस इसी तरह के, जिसमें दोनों तरह के मुंह है, एक तरफ प्लस वाला और एक तरफ माइनस पॉइंट है, जिसे 4 पॉइंट भी कह सकते हो। दोस्तों चारों पेचकस इसी तरह के, चारों पेचकस में दोनों तरह के मुंह है और सेम है चारों, बस साइज उनकी छोटी बड़ी है। उसके बाद में हमारे पास में 3 छोटे बारीक पेचकस है, जो कि कोई यदि पतला नट होता है कार्बेटर वगैरह खोलने के लिए अच्छे काम में आते। उसके बाद में 2 हमारे पास बीट है, एक 4 पॉइंट चौड़ा है और एक 4 पॉइंट पतला है। दोस्तों यदि कोई नट ज़्यादा मुश्किल से खुलता है तो इन बीट को हम ऊपर लगा के ठोक भी सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक ये पेचकस का सेट है, जो छोटा पेचकस है, और इसमें हमारे पास में 5 तरह के सॉकेट मिले हुए हैं इसको। दोस्तों ये भी एक टापरिया का है, इसमें कुल 5 तरह के सॉकेट लगते हैं, जो 5 ही तरह के अलग अलग पॉइंट है इसमें, जैसे कि एक प्लस वाला बड़ा है तो एक प्लस वाला छोटा है। उसके बाद में हमारे पास एक छीनी की भी अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, यदि कोई ऑयल नट हुआ या कोई सा भी नट हुआ यदि खुलता नहीं है तो उसे इस छीनी की सहायता से मदद से हम उसे ठोक ठाक कर खोल देते हैं, या फिर नट ज़्यादा परेशान करता है तो उसे हम काट भी देते हैं। एक आपको आरी का पत्ते की आवश्यकता होगी, जो 5-10 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद एक प्लायर चाहिए आपको छोटा वाला, ऐसे पतले मुंह का, दोस्तों ये भी टापरिया का है और इसका प्राइस है 230 रुपये के आसपास। एक ये बड़ा वाला प्लायर चाहिए, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है।
उसके बाद ये वायरिंग का काम करने के लिए, तार वार छिलने के लिए, काटने के लिए कटर, ये 40-45 रुपये का है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर दो आउट लॉक और इनपुट लॉक वाले प्लायर है दोस्तों, ये भी टापरिया का है, ये 245 रुपये के आसपास में है एक प्लायर की इसकी कीमत। ये भी टापरिया का ओरिजिनल। इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, यदि आप एक मैकेनिक हो तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं दोस्तों। जब हम कोई, जैसे कि किसी भी गाड़ी में हम किक का स्प्रिंग डालते हैं, कहीं पर भी लगाते हैं, तो उससे लॉक को खोलने लगाने में के लिए काफ़ी अच्छा काम में आता। उसके बाद में आ जाते हैं एलंकी सेट पर, तो दोस्तों ये एलंकी बोल्ट का पूरा सेट है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा गलत आ गया है, क्योंकि इसे हमने ऑनलाइन मंगवा लिया था। और यदि हम इसे 5 mm या 6 mm के नट में इस एलंकी को लगाते हैं टापरिया की, तो दोस्तों उस नट में या एलंकी ढीली रहती है, और ढीली होने की वजह से नट पर स्लिप हो जाती है, और एक बार एलंकी नट पर पाना स्लिप होने के बाद उसके खुलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है। अभी आपको खोलकर दिखा देते हैं। ये हमने 6 नंबर का एलंकी अलग से लिया था, और उसका बाद में जो आपको दिख रहा है इसमें 10 तरह के एलंकी है, और इसका साइज़ अलग है, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है, और इसकी जगह पर हमने मंगवाया है, हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा है अंबिका का। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, और अंबिका के जो टूल्स होते हैं, जो पाना पेचकस होते हैं, वह टापरिया से भी कई अच्छे होते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा ही हेवी वाले होते हैं। दोस्तों इसमें हमें 9 तरह के एलंकी मिले हैं, जिसमें 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm से लगाकर 0 mm तक भी हमें मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा टूल से। उसके बाद में आ जाते हैं प्लग पाना पर, जो प्लग खोलने के लिए, वैसे तो हम 16 नंबर पाने से इसे खोल सकते हैं, लेकिन प्लग पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्टिवा का ये छोटा वाला आप देख रहे हो, जो एक्टिवा स्कूटी वगैरह होती है उनके लिए है ये छोटा पाना, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो, जो सुजुकी बाइक होती है ओल्ड मॉडल, उसके लिए है ये। और सुजुकी के बाद में जो XL 100 TVS की या कोई भी हो, XL सुपर जो रेस वाली बाइक होती है उनके लिए है। और ये जो आप देख रहे हो रिगल का, ये दोस्तों 17 नंबर का रिंग पाना है, लेकिन ये रिंग पाना नहीं है, जो हमारे हिरोंडा की गाड़ी में टेपिड कवर के ढक्कन होते हैं, टेपिड नट के ऊपर के 17 नंबर, उनके लिए काफ़ी अच्छा और 1 नंबर टूल से है ये, क्योंकि इस पाने से कोई नट स्लिप नहीं होता। यदि हम फिक्स पाने से खोलते हैं तो नट पर स्लिप मार जाता है। उसके बाद में एक आता है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टूल्स है, और ये 220-230 रुपये में हमें मिल जाएगा। अब इसका हम काम कहाँ करते हैं, जो हमारे अगले सॉकअप जब हम बनाते हैं, अगले सॉकअप की जब ऑयल सील चेंज करते हैं, तो उस ऑयल सील को दबाने के लिए काफ़ी अच्छा टूल्स है ये। यदि हम इसकी सहायता से कोई भी ऑयल सील को दबाएंगे, तो दोस्तों ऑयल के एकदम जो ऑयल सील होती है वह एकदम फिट बैठ जाएगी उसमें। उसके बाद एक ये प्लास्टिक की हथौड़ी है, प्लास्टिक वाली, जो कि काफ़ी अच्छी मददगार है। ये जैसे कि कोई हल्की चीज़ होती है, नाजुक चीज़ होती है इंजन के लिए, तो उसे दबाने ठोकने के लिए काफ़ी अच्छी हथौड़ी है। यदि हम चाहें तो इस हथौड़ी के इन्हें भी चेंज कर सकते हैं, यदि ये ख़राब हो जाए तो इन्हें यहाँ पर खोल कर हम इन्हें ठोकने वाले को ये इसे, ये हमें कहीं भी हार्डवेयर पे मिल जाएगा लोकल मार्केट में, तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें नट दिए गए खोलने कसने के दोस्तों। उसके बाद में आता है एक ये हथौड़ी, जो हमें चेन कड़ी काटने ठोकने पीटने में काफ़ी अच्छा मददगार है। उसके बाद में एक थोड़ा उससे बड़ा हथौड़ी आपको लेना है, ये वाला भी अभी हमने इसमें अत्ता नहीं लगा पाए हम। उसके बाद में ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि हमें कई तरह के डैमेज होने से बचाता है। ये दोस्तों जब हम टाइमिंग चेन बदलते हैं हिरोंडा की गाड़ी में, और जो ऑयल पंप का गियर होता है, उस ऑयल पंप को गियर को खोलने के लिए इस टामी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि हम इसे जुगाड़ के माध्यम से अपने लोकल मार्केट से भी बनवा सकते हैं वेल्डिंग वाले से।
अब हमें सिर्फ यह करना है कि अच्छा तगड़ा वाला तार लेकर उसे उसमें कट मारना है और उसी साइज़ का जो ऑयल पंप लगता है उस ऑयल पंप में जो छेद होता है उस छेद में नाप ले, छेद में चला जाना चाहिए और बस हमें इस तरह से कट लगाना है। क्योंकि दोस्तों कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि उसमें पेचकस वगैरह फंसा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि रोड जो होती है उसमें थोड़े कट वट लगने की समस्या आ सकती है या फिर बेंड एंड भी हो सकती है। वो बेंड होने की वजह से क्या होता है कि आवाज़ आने लग जाती है, या आवाज़ नहीं भी आती है तो बेंड हो जाती है वो। इसलिए अच्छा है कि आप सही व्यवस्थित टूल का इस्तेमाल करें। उसके बाद में आपको लेना है टामी, जिसे टी भी बोलते हैं। ये 8 नंबर की टी है दोस्तों, और ये 10 नंबर की टी है, 10 mm, जिसे हमें चेन कवर के नट काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा काम में आती है। ये 12 नंबर की टी है, ये दोस्तों 3 ही टापरिया का है। और उसके बाद में दो हमने एक 12 नंबर की एक्स्ट्रा खरीद रखी है, जो कि लोकल है, कम वाली है। और एक है 14 नंबर, जो ब्रेक का नट होता है, ब्रेक प्लेट का, सॉरी हाँ, किसी गाड़ी में ब्रेक प्लेट का भी नट होता है 14 नंबर का। और तो हमें टामी से क्या होता है कि खोलने में जल्दी हो जाती है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हमें टेफिट के लिए, टेफिट सेटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर टेफिट सेटिंग के लिए किसी भी गाड़ी के टेफिट सेटिंग हम कर सकते हैं। बस जो ओल्ड मॉडल है, जैसे कि 2018 या 19 के पहले का जो मॉडल है, उनके लिए थोड़ा अलग है। और जो 2020 के बाद का मॉडल है BS6, उनमें थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। तो ये तीनों है हमारे पास। उसके बाद में यदि किसी मैकेनिक भाई को गेज पत्ती की आवश्यकता होती है, उन्हें थोड़ा सही से नहीं कर पाते, गेज नहीं मिला पाते टेपिट, तो इसलिए आप ये आपको एक ये गेज पत्ती भी खरीद लेना चाहिए। दोस्तों इसमें 0.5 mm से 0.25, 30 के बाद में 35, 40 और यहाँ पर 0.100 mm तक के सारे पत्ती दिए गए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ये क्लच पुलर। दोस्तों जो क्लच का नट होता है, कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि उसे ठोक ठोक के हथौड़ी और छीनी की मदद से ठोक कर ही निकालते हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत गलत है। हाँ, इससे क्या होता है कि जो रोड होती है उस पर पूरा लोड पड़ता है और हम तो उसे हथौड़ा मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि नुकसान होने की समस्या हो सकती है। तो हमें व्यवस्थित टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए पूरी तरह से। ये मैग्नेट पुलर है डिलक्स का, और हमारे पास यहाँ पर क्लच पुलर भी है, हीरो होंडा स्प्लेंडर, हाँ डिलक्स, साइन और सभी गाड़ी के हैं हमारे पास। और उसके बाद में ये स्टार सिटी का है मैग्नेट पुलर, जो कि मैग्नेट खोलने में काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और ये जो देख रहे हो आप, ये हीरो होंडा का है, जो स्प्लेंडर बाइक होती है ओल्ड, उसमें लगता है और बहुत सारी बाइक में यह लगता है, इसलिए काफ़ी अच्छे टूल्स है। और ये सभी दोस्तों ओरिजिनल नहीं मिले थे हमें, तो कोई इसमें दोस्तों कोई इसमें बंसल कंपनी का है तो कोई रीगल कंपनी का है, लेकिन अच्छे है, ठीक है। अभी शुरुआत के लिए हमें जो टापरिया का नहीं मिल पाया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टापरिया का ही लेना है, आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो। दोस्तों ये जो टूल्स देख रहे हो आप, इसका यदि आप चाहो तो ख़रीदो इसे, और अन्यथा आप नहीं भी ख़रीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो ये टूल्स हमें वहाँ पर उपयोग में आता है जब हम किक का स्प्रिंग लगाते हैं, और उस वक्त किक के स्प्रिंग की किक शाफ्ट पर और उस स्प्रिंग का जब ये टाइमिंग मिलाते हैं हम, तो वह जो किक का रोड होता है वह रोड कहीं घूम ना जाए, उसके लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे जकड़ने के लिए इस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल्स पर ये देखिए, हमें इसको उसमें लगा दे और उसके बाद में उसे 18 नंबर के रिंग पाने से या फिक्स पाने से
एक तरफ पकड़ लें और उसकी टाइमिंग आसानी से मिला सकते हैं और उसे फिट कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हम इसे ही ख़रीदें, यदि आप नहीं भी ख़रीदते हो तो आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए कि ये साकप सरिया, जो अगला साकप बनाते हैं हम किसी भी गाड़ी का, तो उसके जो 6 नंबर का नट होता है लंकी नट, उस नट को खोलने के लिए हमें यह नीचे की साइड लगाना पड़ता है साकप में अंदर की साइड। और यदि आप चाहो इसे तो अपने जुगाड़ के माध्यम से बना भी सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ऐसा मुंह बनाना है तीखा दोस्तों। उसके बाद में आपको एक मैग्नेट पकड़ चाहिए, ये वाला मैग्नेट का जो बोल्ट खोलते हैं हम 14 नंबर का, उसे ये वाला बोल्ट चाहिए हमें, सॉरी बोल्ट खोलने के लिए। उसके बाद में एक ये वाला मैग्नेट पकड़, ये दोस्तों ये डिलक्स गाड़ी का मैग्नेट पकड़ है, डिलक्स और भी दूसरी गाड़ी में लग सकता है। और यह है क्लच पकड़, ये दोस्तों 4 होल की है जो हीरो होंडा की गाड़ी में लगता है, हीरो होंडा की स्प्लेंडर डिलक्स इन सभी गाड़ी के लिए। और यह है बजाज की गाड़ियों के लिए जो जिसमें 6 होल का क्लच सेंटर होता है उन्हें पकड़ने के लिए। दोस्तों ये जो देख रहे हो आप 4 होल का, ये अभी चल रहा है, लेकिन जो 2021-22 में जो गाड़ियाँ आ रही है, जो 2020 के बाद में जो भी गाड़ी आ रही है, उन गाड़ी में दोस्तों चेंज कर दिया है कहीं ना कहीं, वो जो क्लच सेंटर होता है उसमें 4 खुटी की जगह पर 3 खुटी का ही कर दिया उसे, तो ये 4 होल का हमें उसमें काम में नहीं आएगा। उसके बाद में हमें आता है वाल कैचर फिट करने का। यदि हम हेड के वाल और कैचर को फिट करते हैं तो दोस्तों ये टूल्स काफ़ी अच्छा मददगार है। इससे क्या होता है कि हमें रिंग पाना है, फिक्स पाना से या किसी से भी दबाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस हमें हेड को इसमें फंसाना है वाल के ऊपर और इसे घुमाना है, काफ़ी अच्छे से हमारे वाल कैचर फिट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा टूल्स है ये। उसके बाद आता है ब्रश दोस्तों, ये तार वाले ब्रश है, और यदि हम हेड की सफाई वफाई करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे टूल्स है ये। ये 130 रुपये में हमें तीनों का सेट मिला है, तो इसके लिए हमें एक ड्रिल मशीन की भी आवश्यकता होगी। यदि हम ड्रिल मशीन है हमारे पास तभी हम इन्हें ख़रीद सकते हैं, और ड्रिल मशीन रहेगी तो ये हमारे काम के रहेंगे, नहीं तो हमारे कुछ भी काम के नहीं आएंगे। उसके बाद यदि सीट कवर वगैरह लगाते हो तो उसके लिए ये मशीन है जो 550 रुपये का इसका कीमत है, मेड इन इंडिया है। और जो स्टार सिटी का साकप होता है अगला, उसमें 14 एमएम का एलंग की बोल्ट होता है, उसके लिए एक 14 एमएम का एलंग की चाहिए, एक कैंची चाहिए हमें। तो दोस्तों सारे के सारे टूल्स देख लिया आपने, अब उसके बाद में आता है, यहाँ पर देख रहे हो आप सभी टूल्स, सभी पुलर, सभी मैग्नेट पुलर, क्लच पुलर, सभी सारा सिस्टम है, पेचकस वगैरह है, सारे प्लायर है 2-3 तरह के, बारीक पेचकस, पतला पेचकस, मोटा पेचकस, 2 तरह के प्लायर है और 2 तरह सभी देख लिया आपने। अब उसके बाद में आता है बात, यदि आपको आवश्यकता होती है ड्रिल मशीन की तो आप ड्रिल मशीन ख़रीद सकते हो, अन्यथा इतना भी ज़रूरी नहीं है ड्रिल मशीन, लेकिन यदि ड्रिल मशीन रहती है तो हमें काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। जैसे कि कोई नट यदि खुलता नहीं है तो हम इसकी सहायता से उसे काट सकते हैं, और यदि कोई हमें एसेसरीज लगाना है, कोई डिजाइन वाला सामान वामान फिट करना है, लाइट वाइट लगानी है हैंडल वेंडल में, तो हमें उसके लिए भी छेद वेद करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ड्रिल मशीन है ये। ये दोस्तों 2500 रुपये की है इसकी कीमत, और ये बॉस कंपनी का है जो कि ब्रांडेड है काफ़ी अच्छा, और सर्विस भी अच्छी होती है इनकी। दोस्तों इसमें हमें 3 तरह के बिट्स मिले हैं छेद करने के, जो लोहे में और कंक्रीट में और लकड़ी में, तीनों तरह के छेद करने के लिए हमें इसमें 3 तरह के अलग अलग बिट मिले हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास 4 पॉइंट -5। दोस्तों हमें यहाँ पर 4 से 5 तरह के इसमें बीट मिले हैं,
जो 4 पॉइंट है भी है और माइनस पॉइंट भी है, और उसके बाद में जो स्टार नट होता है जो अभी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है हॉर्नेट वगैरह में पैनल वैनल खोलने के लिए, तो दोस्तों उसमें का भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद में इसमें एक 6 नंबर का एलंकी नट खोलने के लिए भी एक छोटा बिट दिया गया है। तो दोस्तों ये हमें इस ड्रिल मशीन के पूरे साथ में मिला है सेट में। तो यदि आपको ज़रूरी हो तभी आप इस ड्रिल मशीन को ख़रीदें, अन्यथा ना भी ख़रीदें, वैसे भी इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हम कोई जुगाड़ करते हैं, और वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा जुगाड़ ही चलता है, तो जुगाड़ के माध्यम से यदि कोई सामान फिट नहीं हो रहा है तो हम दूसरी गाड़ी का भी लगा देते हैं दूसरी बाइक में। तो उस तरह से जुगाड़ करने के लिए हमें ड्रिल मशीन की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई जगह छेद वेद करने होते हैं स्टील वगैरह में, तो इसकी मदद से हम छेद वेद भी कर सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इसकी ड्रिल मशीन, ये दोस्तों इस तरह की है, ये आगे पीछे रिवर्स दोनों साइड चलती है।